सीता जी का अपहरण हुआ था। जगतपुरा बाईपास 8,27,000। तंबाकू का सेवन ना करें, हम तो देख ले रहे हैं कैसे भी छुप छुपा के इतने छेद किए, इतना छेद किए बेचारा, सांस लेना कहाँ है, क्या करना, चबाएगा तो आधा हिस्सा काट जाएगा। हर जगह प्रूफ दिखाना पड़ रहा है कि हम लोग ऐसी ऐसी सूचना में देते रहूँगी। और चमगादर, आप ही ब्लॉगिंग कर दीजिए थी इन खिड़कियों की वजह से, ये सब जीवित हो जाएंगे तो मेरे तो हालत ही खराब हो जाएगी। यहाँ लड्डू गोपाल के रूप में हैं। हर जगह प्रूफ दिखाना पड़ रहा है कि हम दो मोबाइल का लिए हैं, क्योंकि बहुत लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। सो दैट्स वाई मैं बोल रही थी आपको अपना टिकट लेके साथ चलना होगा, क्योंकि हर जगह हर सेक्शन में आपको टिकट देखा जाएगा कि आपने कितने मोबाइल के चार्जेस दिए हैं या फिर कैमरा के चार्जेस दिए हैं। कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, 3D पेंटिंग है, आप पास आके देख सकते हैं। और इनके आर्टिस्ट है रियाज कुम, ठीक है। आप ही ब्लॉगिंग कर दीजिए थी थोड़ा बीच बीच में बता दीजिए। भूतल है शायद। देखिए इस पेंटिंग में आपको कुत्ता दिख जाएगा, आई थिंक ये कुत्ता है, तोता है, तोता है, ये आदमी है। ये देखिए काफी प्यारा लग रहा है, इसे बनाया है आहाना वर्मा 8A। और ये सारा मतलब स्कूल, जिस स्कूल का भी ये वो है बिशप स्कॉट गर्ल्स स्कूल, जो कि है जगतपुरा बाईपास 8,27,000। तो उस स्कूल से शायद यहाँ कुछ रिलेटेड होगा, इसलिए यहाँ पे उसी स्कूल के बारे में लगा, उसी के स्कूल के बच्चों का लगाया है। तो और पेंटिंग में दिखाती हूँ, आइए चलिए। सारे गन्स, ये है पुराने ज़माने के बंदूक बिदारी कारीगरी। लाइट के कारण आपको यहाँ से अच्छे से दिख नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ सामने से बहुत लाइट आ रही है, तो एडजस्ट कर लीजिए। जले हुए गोलों के अवशेष, जो गोला बारूद ऐसे होते हैं। आदिवासी मतलब ट्राइबल लोगों का, तो यहाँ पे हम लोग आए थे दिखाने के लिए, लेकिन इतना लाइट का इफेक्ट आ रहा है इन खिड़कियों की वजह से,
देखिए इतना लाइट का इफेक्ट आ रहा है कि अच्छे से देख ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, मतलब दिखा नहीं पा रहे हैं। सॉरी, हम तो देख ले रहे हैं कैसे भी छुप छुपा के, बट आपको नहीं दिखा पा रहे हैं तो अरे क्यों नहीं, मतलब काम करते हैं ना, दिखा नहीं पा रहे हैं तो आप लोग ही आ जाइए यहाँ देखने के लिए क्या। थोड़ा थोड़ा मेरे वीडियो में देख लीजिए और थोड़ा इंटरेस्ट हो जाइए, मतलब इंट्रैक्ट हो जाइए और आकर्षित होकर जल्दी से यहाँ आ जाइए देखने के लिए, क्योंकि ये भी हमारा धरोहर है, पाटलिपुत्र दुर्गा का गैलरी है, दुर्गा का गैलरी है। तो चलिए ये दिखा दी, अब मैं थोड़ा आगे और दिखाती हूँ, जल्दी जल्दी करना है क्योंकि टाइम कम हो गया है। बहुत बहुत बड़ा गैलरी है, मतलब बताइए कहाँ थे हम इतने दिनों से कि गैलरी में नहीं आए थे। तो ये गैलरी टिकट तुम्हारे पास है? आपको दिए थे ना? हमको नहीं, मेरे पास है। जल्दी जल्दी ये दिखाते हैं गैलरी में और क्या क्या है, जल्दी जल्दी निकाल दिखा के चलते हैं। हम लोग को ना आई कार्ड मिलना चाहिए था, मतलब कलर वाइज, जिससे पता चलता कि आप मतलब टिकट लेके आए हैं कैमरा के लिए या फ़ोन के लिए। बार बार टिकट निकाल के दिखाना पड़ता है यार। इस सेक्शन में ना आपको बहुत सारे मूर्तियाँ मिल जाएगी, मतलब स्टैचूज मिल जाएंगे जो कि कासा तांबा ये सब चीज़ से बना हुआ है। तो ये है काली माता की मूर्ति जो कि बहुत प्यारी है। फोटो वाला गया, जोर से बोलो गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। लड्डू गोपाल माखन चोर और भी बहुत नामों से प्रचलित है ये। कृष्ण जी, विष्णु जी, सबके अलग अलग रूप दिए गए हैं। यहाँ पे कृष्ण जी हैं, यहाँ कृष्ण विष्णु के रूप में हैं, यहाँ लड्डू गोपाल के रूप में हैं, यहाँ भी कृष्ण हैं, यहाँ ये राधिका जी, दोनों को साथ भी देना चाहिए था। राधे राधे। सो मैंने इससे तो पटना संग्रहालय मुझे बहुत पसंद आया, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा यहाँ आना, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ के। और यहाँ की जो पेंटिंग्स वगैरह है, हर जगह की मैथिली राजस्थानी हर तरह की पेंटिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ ज़रूर आइए पटना म्यूज़ियम में। वैसे तो मेरे हिसाब से पटना संग्रहालय बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन भी है, काफ़ी बारीकी से बना हुआ है हर जगह का, आप हर जगह देख सकते हैं, सबका अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। आप यहाँ आ रहे हैं तो सारे सेक्शन ज़रूर घूमें। मेरे हिसाब से मैं एक दो सेक्शन छोड़ दी थी, मुझे ध्यान नहीं रहा, लेट हो रहा था। तो अब हम लोग चलते हैं वापस नीचे और नीचे को भी थोड़ा एक्सप्लोर करके देखते हैं कि क्या क्या है। सो चलिए हमारे साथ और एक्सप्लोर करने। आई थिंक हमने सारी गैलरी एक्सप्लोर नहीं किया है और सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग यहाँ आए तो प्लीज़ आप लोग एक्सप्लोर ज़रूर करें, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम इशू है। वैसे तो हम लोग बहुत देर रुक गए थे, लेकिन सो एंट्री के साथ आपको जो हॉल दिखेगा, हॉल के आपके जस्ट सामने आप जाइएगा एकदम स्ट्रेट, तो आपको वहाँ से एक बाहर आउटसाइड जा सकते हैं आउटडोर में, और वहाँ पे आपको बहुत अच्छा नज़ारा दिखेगा। फिलहाल तो यहाँ पे फाउंटेन जो लगा हुआ है, इसमें भी पानी की सुविधा नहीं दी गई। एंड नोट डाउन कर लीजिए, ये फाउंटेन के जस्ट सामने आपको मेल वॉशरूम मिल जाएगा, एंड जहाँ पे लोकर रूम है वहाँ आपको फीमेल वॉशरूम मिल जाएगा। मैंने ये यही तोप देखने आई थी, बट ये तोप देखने के लिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा और अंदर जाने के लिए मना है। तो ये खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है अंदर, और इस पार्क में अंदर जाना हमारा सख्त मना है, तो हम यहाँ नहीं जा पाए। बस ये कहूँगी कि अंदर का एक्सप्लोर हो चुका है, देख सकते हैं अंदर का एक्सप्लोर हो चुका है अंदर साइड का, और काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ था अंदर देखने लायक, तो हम लोग वो देख रहे हैं। और अब हम लोग निष्कासित होते हैं, एग्ज़िट करते हैं क्योंकि टाइम हो गया। और वो बाकी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। और मैं बस यही कहूँगी कि अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नहीं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा और बड़े लोग हमें आशीर्वाद देते रहिएगा। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से इंतज़ार कीजिए, और फिर से मैं आती हूँ आप लोग के पास और कुछ नया करने का कोशिश करूँगी, कुछ नया समथिंग समथिंग। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय और गुड नाइट, सब केयर।